के बाद वाह शेफ में आपका फिर से स्वागत है। अभी आप देख पा रहे हैं कि मैं बावर्ची के इतने बड़े से किचन में खड़ी हूँ। और ब्रेक से पहले आपको हमने दिखाया कि हमने लापसी को कैसे सोख होने दिया और मटन को कैसे मैरिनेट करा। अब हम दिखाने जा रहे हैं कि हम इन दोनों चीज़ों को कैसे बनाएंगे। तो आइए पूछते हैं हमारे अब्दुल जी से कि हम इसको अब कैसे आगे बढ़ाते हैं रेसिपी को। जी शुक्रिया। अभी ना आपने देखा जिस तरह से हम लोग ने लैप्सी को भिगाया था और ये लैप्सी ना पूरी तरह से अभी पूरा भीग चुका है। और ये देखिए जो लैप्सी और वेराइटी से दाल हम लोग भिगाए थे वो पूरा अच्छी तरह से भीग चुके हैं ये और बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसको बॉयल करने के लिए हम डालेंगे। तो हम क्या करेंगे ना, पहले इसको शेफ ये अब डालें, हम इसमें डालेंगे इसमें बॉयल करने के लिए एक पॉट में पहले हम ऑयल डालेंगे, फिर इसके बाद में जो हम भिगा हुआ लापसी जो है दाल है वो उसमें डालेंगे। सो हम ऑयल ही यूज करते हैं या फिर हम घी का भी इस्तेमाल होगा, लेकिन उसका अलग टाइम है वाला। पहले ऑयल डालते हैं, अच्छा, उसके बाद में ये भीगी हुई लैप्सी को डालते हैं। ओके, तो ये इसे इसको कहते हैं घोटा। घोटा तो ये बेसिकली बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जैसे बावर्ची है ये यहाँ पे इसको घोटने के लिए यूज होता है। सो इसको घोटा बोलते हैं। जी उसके साथ में इसको हम अभी क्या डालेंगे, इसके बाद में ये लैम जो मैरिनेटेड है, जी मैरिनेटेड लैम है हमारे पास, अब इसको डाल देंगे। जी ये दोनों मिला के मिक्सर में। सो कितने टाइम बाद हम इस मैरिनेटेड मिक्सचर को डालेंगे उसमें? 10-15 मिनट्स के बाद डालेंगे। 10-15 मिनट्स के बाद? जी हाँ, 10-15 मिनट डालने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स करें। फिर इसके बाद में जो हमारे शेफ साहब जो दिए हैं गोश्त उसके डाल के इसको अच्छे तरह से इसको मिक्स करें। मिक्स करके जैसा कि अभी आप बताया था मैंने पहले ने इसको, जितना सॉफ्ट और जितना मुलायम होगा हलीम उतना अच्छा बनेगा। तो अभी इस हिसाब से अभी हमने इसको पूरा मिला लिया है। अभी ये फायर इसके ऊपर आ गया है। अब हम इसको क्या करते हैं ना, इसको हम अभी तो अभी हम धनिया डालने वाले हैं। ये गार्निश के लिए है या फिर गार्निश के लिए? फ्लेवर्स के लिए। फ्लेवर्स के लिए है जी। नॉर्मली ये है पुदीना। तो हमने दो बार पुदीना और धनिया डाला है, एक बार मैरिनेट करते टाइम में और एक बार अब बनाते टाइम में। तो दो बार डालना होता है। ये हर्ब है, नेचुरल है, इसमें ज्यादा फ्लेवर रहता है और इसमें ज्यादा खुशबू भी होती है जी। और ये जब पकती है ना इसके अरोमा कुछ डिफरेंट होता है। ये हलीम के एक्चुअली देखा जाए तो बहुत मेन इसका इंग्रेडिएंट्स देखा जाए तो ये होती है। इससे पहले हमने कहा था कि इसमें कोथमीर और पुदीना, इसमें कुदरती मजा है। जी ये कुदरती मजा है, एक नेचुरल तरीका ही है। इससे पहले बोला था कि हमें ज्यादा डालना है, जितना ज्यादा डालेंगे उतना जायका बढ़ेगा, अगर डालेंगे उतना ही जायका आएगा। हाँ, खासतौर पर ये हैदराबादी जो हलीम है ये, जहाँ ईरान से जो निकली हलीम है, इसके अंदर सबसे ज्यादा कोथमीर और पुदीना का ही ज्यादा इस्तेमाल होता। जी जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना जायका बढ़ेगा, उसी से खूबसूरती है। तो अब हम इसको कितना टाइम तक स्टेयर करेंगे? स्टेयर हो गया। हमारे शेफ साहब बताएंगे इस मामले में, इसके बाद में इसका प्रोसेस। अभी जिस तरह के हम लोग स्टेयर करने के बाद में अब क्या करेंगे ना, हम इसको उठाएंगे, इसको उठा के इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे। ये पूरा सारे स्तर से मिल गए हैं। मिलने के बाद में इसको हम क्या करेंगे, इसको लीड से ढक देंगे, कवर कर लेते हैं। कवर करके इसको थोड़ा देर रख देते हैं, इसको घंटा भर बॉईल करने देते हैं स्लो फायर में। अब बॉईल हो जाने के बाद में इसको क्या करेंगे, हम अभी घोटा लगाएंगे। और घोटा किस तरह से लगाते हैं वो अभी हम आपको दिखाएंगे इस प्रोसेस के बाद में, क्योंकि अभी तकरीबन अपना लैम जो है वो बॉयल होने पर आ गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको किस तरह से घोटा लगाते हैं वो अभी हम दिखाते हैं आपको। अभी हमने देखा कि हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके उसको बॉयल करने के लिए रख दिया है और वो काफ़ी अच्छे से सारे फ्लेवर्स के साथ बॉयल हो रहा है। तो अब हम हमारे अब्दुल जी से पूछेंगे कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका। अभी जैसा देखे कि आप सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के हम लोगों ने उसको बॉयल करने बिठा दिया है, तकरीबन बॉयल हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से बॉयल होने के बाद में इसके किस तरह से इसका शक्ल आता है, यानी कि इसके जो कलर चेंजेस होते हैं किस तरह से चेंजेस होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए हम बहुत एक्साइटेड है इसके लिए कि क्या होने वाला है। इसका तो पूरा कलर चेंज हो गया है एंड स्मेल भी, खुशबू बहुत लाजवाब आ रही है। सो इसके कलर्स में हम डिफरेंट वेराइटीज़ एंड हम देख सकते हैं कि मटन भी काफ़ी कुक हो चुका है। जी हाँ,
ये काफ़ी खुश होगा। और लैप्सी भी जो देखे थे आप, जो भिगोए थे, हम दाल भिगोए थे, वो तकरीबन स्मैश की तरह दिखता है, पूरा स्मैश हो गया, मुलायम सा हो गया, सॉफ्ट हो गया है। और जो लैम भी जो थे बोनलेस, वो तकरीबन पक चुके हैं और गल भी चुके हैं। अब हम इसको घोटा लगाएंगे, अब दोनों शेप मिल के, अभी वह शेप और जमाल शेप दोनों मिल के अब इसको घोटा लगाएंगे। घोटा लगाने के बाद में इसको कैसे, घोटा लगाने का मतलब ये होता है कि इस दोनों को एक तरह के दूसरे को मिलाना, मिक्स करना एक अच्छी तरह से मिलने के बाद में एक स्मूथ सी बन जाती है ये। वो कैसा स्मूथ बनती है वो हम आपको बताते हैं। देख रहे हैं लैम किस तरह से टूट रहा है। और लैप्सी के साथ में किस तरह से वो, और दाल के साथ किस तरह से वो मिक्स हो रहा है। ये सब मिक्स होने के बाद में, ये सब जो होता है मिक्स होने के बाद में, फिर इसको हम किस तरह से फिर टेम्परिंग कर रहे हैं, किस तरह से इसमें और जो बाकी के जो सामान है, जो इंग्रेडिएंट्स है, वो डाल के हम बताएंगे आपको किस तरह से वो हो रहा है। तकरीबन ये जी, इसका फाइनल प्रोसेस हम बता रहे हैं आपको कि तकरीबन हो चुका है अभी ये। और इसमें जितना ये घुटना है, घुटने से बहुत जायका बढ़ेगा, और जो उसके मसाले वगैरह इसके अंदर पूरे अच्छे, जितने मसाले इसके अंदर डालेंगे और उतना जायका आएगा, और जितना इसको मिक्स करते रहेंगे, घोटा मारते रहेंगे, उसके मसाले इसके अंदर जज्ब होते रहेंगे तो उसके पूरा खुद ब खुद फ्लेवर आएगा इसमें, पूरे चीज़ें ऑयल वगैरह कि हमने इसके अंदर तेल डाला, तेल डाले बस उसको पकने देना। इसमें जैसे कोतमीर है, पुदीना है, हरी मिर्ची पेस्ट है, यानी पूरे मसाले है, ये जितने स्पाइसेस जो डाले करें और जितना उसको घोटेंगे उसके अंदर उतना जाएगा तो उतना जायका आएगा। और उसके बाद में इसको इसमें चिकट बनाएगा। दूसरी बात और एक चीज़ है इसमें, खास बात क्या है, जो हम जो तेल जो डाले हैं, हम जो रिफाइंड डाले वो देखे हैं जी। अब इसमें जो दिखती है आपको, जो ऑयल दिखती है ना, वो लैम की जो फैट होती है ना वो आती है, ये फैट जो आ रही है, वो जो लैम की जो फैट होता है ना, उससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है वैसे। अच्छा। तो ये होता है इसके, ये तो तकरीबन ये अभी घोटा हो चुका है, अभी हम लोगों ने घोटा लगाया, और घोटा लगाने के बाद में देखे किस तरह से ये पूरा मैश हो गया है, और इसके पूरा जो जो ऑयल है, जो तेल जो भी परसेंट है, वो ऊपर आ चुका है। तकरीबन ये फाइनल स्टेज पे है, अब हम इसको थोड़ा देर के लिए दम देंगे, दम देने के बाद में आपको बताते हैं किस तरह से जो फाइनल प्रोडक्ट हलीम आती है, बाहर निकलती है, वो किस तरह से वो बताते हैं हम आपको। ये काफ़ी रिग्रेस प्रोसेस है, अभी आप लोगों ने देखा हमारे दोनों मास्टर शेफ ने इसमें गोटा लगाया और दम लगाने के लिए लिड बंद कर दिया है। सो शेफ, क्या हमारी फाइनल हलीम तैयार है? जी हाँ, अभी तैयार हो गए, तकरीबन तैयार हो गए, क्योंकि दम में दिए थे हम लोग घोटा मारने के बाद जी। अभी ये पूरा तैयार पे है, अब हम दिखाएंगे आपको किस तरह से ये हलीम बनी है। अब ये इसको खोलेंगे जी, शेफ ये भी सॉफ्ट हो गई है जी। हाँ, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, जो लैम और जो लैप्सी जितना अच्छा बॉयल होगा और जितना अच्छा घोटा लगाएंगे वो उतना स्मूथ होगा। तो सेम आप देखिए जिस तरह से बनाए अभी हम, ये हलीम बन तैयार हो गई है, देखिए किस तरह से ये स्मूथ हो गई है, पूरा बहुत ही स्मूथ है। अब्दुल जी, ये तो रेडी हो गया है, तो क्या ये रेडी टू ईट है? बराबर रेडी टू ईट है, अभी इसको हम ले सकते हैं और उसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। वर्ल्ड फेमस रमादान स्पेशल हलीम पक के तैयार हो चुकी है, और अब मैं उसको चखने जा रही हूँ। काफी बहुत टेस्टी है, मेरे मुंह में सारे फ्लेवर्स बर्स्ट हो रहे हैं, इतनी टेस्टी हलीम है। बावर्ची रेस्टोरेंट का मैं काफी शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने इतनी स्पेशल रेसिपी हमारे दर्शकों को बनाने को सिखाई। हमारे मास्टर शेफ्स को स्पेशल शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने हमें इतनी ख़ास, जो कि रमज़ान के इतने पावन अवसर पे बनाते हैं, वो रेसिपी आप लोगों ने हमें सिखाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग भी वर्षा टीवी चैनल को हम लोग भी बहुत बहुत थैंक्स बोलते हैं जो आने के लिए, और यहाँ जो अपना रेसिपी जो हम लोग से लिए कलेक्ट किए हैं, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग, थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते ईद है, तो सबको ईद मुबारक। बावर्ची रेस्टोरेंट की तरफ से मास्टर शेफ लोग का बहुत 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 ईद मुबारक सब लोग। बावर्ची रेस्टोरेंट की जानिब से सारे दर्शकों को आने वाली ईद बहुत बहुत मुबारक हो।